साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई पर्सनल, आप और हम, अपने विचार और अपने आगे की जो सोच है मैं मेरी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि आपको पता होगा पहला पेज फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करेंगे, पूरा देखिएगा। आगे 15 जून तक भी फ्लाइट हैं, हालांकि किसी को पता नहीं है, सरकारी आंकड़ों में शो हो रहे हैं कि फ्लाइट हैं, लेकिन नहीं तो गवर्नमेंट ने कोई अधिकारी घोषणा कर रखी है। गवर्नमेंट ने बताया कि भाई 16 मई से लेकर 23 मई तक ख़त्म है, पेज 3 स्टार्ट होगा, उसका कोई अभी अलाउंस नहीं किया गया है। आज अलाउंस हुआ था कि भाई 25 मई को डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, इंटरनेशनल का अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें तो यही दिखा रखा है कि भाई फ्लाइटें स्टार्ट हैं। मेरे पास सबूत है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप पहली बार देख, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें ताकि हर रोज विदेश से रिलेटेड आपको न्यूज मिलती रहे। तो आज हम शुरुआत करते हैं भाई, देखिए कल की डेट में ये ख़त्म हो जाएगा, 23 मई को फ्लाइट का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर का क्या है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है, देखिए हमारे राजस्थान में, मैं बात बताऊं आने वाले दिनों में, आज की पेपर की न्यूज़ है इसमें, मैं देखिए ये स्क्रीनशॉट भी मैं साथ में डाल दूंगा, इसमें साफ साफ लिखा है विदेश से फ्लाइटों से लौटेंगे 2000 भारतीय, यानी आज की डेट है 21 मई की, ठीक है, और कल की डेट है 22 मई। 22 मई को लंदन से दोपहर एक फ्लाइट पहुंचेगी, ठीक है। इसमें दे रखा है अभी 213 भारतीय राजस्थानी पहुंचे हैं राजस्थान, यानी विदेश में फंसे हुए 213 पहुंचे हैं, आने वाले दिनों में आएंगे 2000 राजस्थानी। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कल तो डेट ख़त्म हो जाएगी, 23 मई के बाद तो फ्लाइट ही नहीं है, तो कैसे आएंगे। कहने का मतलब ये, फ्लाइटें हैं, शेड्यूल है, लेकिन पेज 3-23 को ख़त्म हो रहा है फिर भी शेड्यूल है। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है मेरे मोबाइल में है, मैं वीडियो भी बनाऊंगा उसके हिसाब से। इसमें 15 जून तक का शेड्यूल चल रहा है और बहुत ज़्यादा फ्लाइटें हैं, लेकिन ये किस तरह से है क्या, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो 150 के करीब, 152 जो जितनी भी फ्लाइट थी, 149 फ्लाइट का शेड्यूल बनाया गया था 16 मई से लेके 23 मई तक का, तो मुझे ये लग रहा है कि ये फ्लाइटें कंप्लीट नहीं हुई इनकी, क्योंकि जो मेरे पास 15 तारीख तक का शेड्यूल है उसमें गल्फ से भी फ्लाइटें हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, मलेशिया, सब कंट्रियों से फ्लाइटें हैं, यूरोप की कंट्रियों से भी फ्लाइटें हैं, क्योंकि यार लगभग 65 कंट्रियों में इंडिया की पॉपुलेशन रहती है और हर देश में मतलब 5-10 रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन कितने आए हैं। जब दुबई से 10,000 लोग नहीं पहुंच सके तो और देशों से क्या आ गए इतने लोग, तो फ्लाइटें तो चलेंगी, या हो सकता है ये फ्लाइटें अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये कागज़ों में 23 मई पेज ख़त्म हो रहा है लेकिन ये फ्लाइटें चलेंगी। एग्जांपल के तौर पे 7 मई को पेज 1 स्टार्ट हुआ था लेकिन फ्लाइटें 5 मई से स्टार्ट थी, बोला 7 मई से 13 मई को फ्लाइट स्टार्ट ख़त्म हो रहा है, लेकिन 13 को ख़त्म हो गया, 14-15 की फ्लाइट का शेड्यूल दिखा रखा है ऑनलाइन, मेरे पास लिस्ट पड़ी है उसमें फ़्लाइटों का पूरा शेड्यूल था, और 24 तारीख को भी का भी फिर शेड्यूल है, मैंने वीडियो खुद बनाया 24 तारीख की फ़्लाइट का, काफ़ी सारी कंट्रियों से 24 को फ़्लाइट आएगी, जबकि 23 को ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है, फ़्लाइटें हैं, रेगुलर हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो दो एक एक दिन बीच में छोड़ के 23 तारीख के बाद में 25 से स्टार्ट हो रही हैं, 15 जून तक फ़्लाइटें हैं, मैं सबका वीडियो बनाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिए, हो सकता है आपकी कंट्री का हो तो आपके काम आ सकता है भाई, हो सकता है कभी भी आपके पास एम्बेसी से कॉल आ जाए भाई टिकट का पैसा तैयार कर लो, इंडिया आना है आपको, तो आप टेंशन ना लें। और मैं बता दूँ बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत थी कि भाई मैं लगभग 150-160 के करीब अब तक फ़्लाइट आई हैं, 7 मई से लेके 23 मई तक हम कंप्लीट मान लेते हैं कि भाई 160 के करीब ये फ़्लाइट थी, इनमें से मैं बता दूं भाई 20-30 फ्लाइट तो मैं कह नहीं सकता, बाकी फ़्लाइटें टोटल की टोटल उधर जा रही थी, कोची केरला कोड़ा करते करते मेरा तो गला ख़राब हो गया, यानी सब फ़्लाइटें उधर से रिलेटेड थी सब की सब, और आप लोगों के 80% कमेंट यही थी सर सब की सब उधर ही है, हमारी तरफ से फ़्लाइट नहीं है, हमारे राजस्थान में एक फ़्लाइट आई है, अब देख लो आप, ये स्थिति थी। दिल्ली में कितनी उतरी हैं, पंजाब में कितनी गई हैं, महाराष्ट्र में तो हो सकता है थोड़ी बहुत 2-4 फ्लाइट गई होंगी, ज़्यादा फ्लाइटें नहीं है, 80% फ्लाइट 70% फ्लाइट मैं उधर मानता हूँ, कोची, केरला, उधर विशाखापट्टनम उधर की है सबकी फ़्लाइट है, बाकी 20-30% इधर अपना पूरा भारत कवर हो रहा है, तो भाई बंदे निकलेंगे कहाँ से, तो बंदे अभी निकलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 15 जून तक फ़्लाइटों का शेड्यूल है, मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूँगा, आप ज़रूर देखते रहिए ताकि आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। और बाकी भाई अगर फ़्लाइट नहीं होती तो ये न्यूज़ फिर कैसे आ गई, 2000 इंडियन पहुँचेंगे, 22 तारीख को एक फ़्लाइट यानी आज की डेट में पहुँचेगी लंदन से कहाँ पर, जयपुर एयरपोर्ट पर, और उसके बाद फ्लाइट 2000 बंदे पहुंचेंगे, एक फ़्लाइट में तो 150 के करीब आएंगे, बाकी बंदे तो आने वाले टाइम में आएंगे ना, जबकि गवर्नमेंट ने तो कोई शेड्यूल ही नहीं दे रखा,
23 मई को तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये फ्लाइट है, ये बंदे 2000 कैसे पहुँचेंगे। ये पूरा इसमें सरकार की मीटिंग हुई है गलो साहब के साथ में, जितने भी अधिकारी थे सब ने पूरा प्रोग्राम बनाया है, 2000 आदमी आएंगे, उनको जयपुर में कहाँ कहाँ रखेंगे, कौन कौन सी जगह क्वारंटाइन रखेंगे। गवर्नमेंट ने बोला है, घर वालों से भी अपील की है कि भाई आप जयपुर एयरपोर्ट पर ना आएँ, उनसे मिलने के लिए हम आपको नहीं मिलने देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंडीशन इसमें लागू करी है। तो ये तो तय बात है कि ये 23 तारीख के बाद आएंगे, तो फ्लाइट आएंगी तभी तो पहुंचेंगे ना। तो आप बेफिक्र रहे भाई, फ्लाइट सबकी चालू है, 15 मई तक का शेड्यूल है सबका। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।